सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा संदेह दूर हो जाता है, हमारा संशय मिट जाता है, कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। कहते हैं जो कन्फ्यूजन में रहता है हमेशा, जो कन्फ्यूज रहता है वो एक ना एक दिन फ्यूज हो जाता है। अगर संदेह में रहोगे तो इस जीवन का परम आनंद आप नहीं ले सकोगे। तो अभी क्या मिला आपको? स्वर्ग में जाओगे अभी नहीं पता, मरने के बाद पता चलेगा। वैकुंठ में जाओगे उसका भी बाद में पता चलेगा। कोई पासबुक है नहीं जो कितना पुण्य आपने 7 दिन में यहां पर कमाया। 3 प्रकार के स्वर्ग होते हैं। पहला स्वर्ग जिसके स्वामी है स्वयं इंद्र, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं कुछ देर से, कि जहां सुविधा तो सब है लेकिन एक भय है कि ये गद्दी हमसे छिन न जाए। दूसरा स्वर्ग है जिसके स्वामी है भगवान शंकर, कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के संग, जहां लग्जरी सुविधा तो कुछ भी नहीं है लेकिन सुख इतना है, शांति इतनी है, किसी चीज की कोई कामना भी नहीं है। सबसे बड़ा धन क्या है? संतुष्टि। आपके अंदर की अगर कामना समाप्त हो जाए तो आप एक छोटी सी झोपड़ी में भी रहकर परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। और अगर कामना नहीं समाप्त हुई तो बड़े बड़े महल बनाने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं होगी और आप हमेशा लगे रहोगे हाय हमें कितना और मिल जाए, कितना और मिल जाए। तो जहां पर कौन सा धन है? संतोष धन है कैलाश पर्वत पर। तीसरे स्वर्ग का वर्णन किया जिसके स्वामी है भगवान नारायण, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और मां लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। भगवान नारायण को स्वरूप माना गया शांति का और मां लक्ष्मी को सुख। अभी हमारे जीवन में क्या है? सुख तो बहुत है। कल मैंने आपसे कहा ना कि 10 साल पहले जितने पैसे कमाते थे उससे ज्यादा आज कमाते हो। तब ज्यादा शांति थी कि अब ज्यादा शांति है? तब ज्यादा सुखी थे कि अब ज्यादा सुखी हो? तो आप सब ने यही उत्तर दिया कि अब ज्यादा अशांत है। पहले कम कमाई थी तो टेंशन भी कम थी। हम पैसा खर्च करके बढ़िया घर बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, नौकर चाकर रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ धन कमाकर आप सुख इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सुख में आपको शांति मिल जाए। लेकिन अगर आपने शांति को प्राप्त कर लिया तो शांति के अधीन सुख होता है। शांति भगवान नारायण के स्वरूप में, और जहां स्वयं नारायण रहते हैं वहां सुख को तो आना ही पड़ता है। तो कथा हमें शांति प्रदान करती है।